हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर डे विद अनदर व्लॉग फॉर यू गाइस। इट्स नॉट एन अमेजिंग व्लॉग बट स्टिल एन अदर व्लॉग फॉर यू गाइस फॉर टुडे। और क्या हाल चाल आप सबका, कैसे हैं और कैसा जा रहा है आप लोगों का? गाइस जिम से मैं हो चुका हूँ टोटली फ्री, आते भी मैंने दिखाया नहीं और वो उसकी वजह ये थी मैं कॉल पे मसरूफ था। तो ये है कि आज है 11 अगस्त और कल है संडे, सॉरी आज है 11 अगस्त कल है 12 अगस्त और 13 अगस्त को वैसे ही इंडिपेंडेंट डे की छुट्टी है और जिम तो टोटली खाली है जबकि जिम फुल होना। जैसे ही मैं जिम से बाहर निकलूँ मौसम अच्छा हो गया। तो हाँ गाइस, मैं ये बोल रहा था कि जब भी गजट हॉलीडेज होती हैं या फिर जो नेचुरली कहना सही नहीं, गजट हॉलीडेज जो होती हैं जैसे कि संडे सैटरडे या फिर कोई भी दिन होता है, इट्स डिपेंड ऑन योर सिटी और अ कंट्री कि आप कहाँ से बिलोंग करते, तो वीकेंड पर तो ज़्यादा अच्छा वर्कआउट करना चाहिए ना कि आप कम वर्कआउट करो। आपका क्या ख्याल है गाइस? तो इंक्लूडिंग मी जिम के अंदर टोटल थे 10 बंदे होंगे। इट्स गुड कि अच्छा रश काम था बट वीकेंड हो तो वीकेंड पे तो वर्कआउट ज़्यादा करना चाहिए ना कि कम वर्कआउट किया जाए। बट फिर भी ठीक है, हर किसी का अपना ओपिनियन है। अगर मेरी तरह 8-9 लोग और थे जो वर्कआउट करने आए थे तो ये तो ज़्यादा अच्छा था कि शोर कम था, रश कम था। शोर तो वैसे भी नहीं होता, एयरपोर्ट्स मेरे लगे होते हैं, ऊपर से मेरे एयरपोर्ट्स भी मिसिंग हो गए हैं, पता नहीं घर में या कहीं बाहर। सो आई गॉट द न्यू वन, TCL ने जो स्पॉन्सर पैकेज दिया था, राइट नाउ आई एम यूजिंग द TCL वन। जब दुबई जाऊंगा या फिर कोई दुबई गया फैमिली में से उसको कह के फिर एयरपोर्ट्स दोबारा से मंगवाऊंगा। सो एयरपोर्ट्स आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद माय कैमरा, जबकि मैंने ये 16 ओ बेटा जो है वो iOS का डाउनलोड किया बीटा, राइट? बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट कि मैं अभी 0.5 या 1 पे या 2 पे भी करता हूँ तो कुछ ना कुछ एरर आता है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जूम शो करता है। आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद इट, माइट बी पॉसिबल कोई एरर है अपडेट का या कुछ और, तो मैं इसको वापस इसके नॉर्मल वर्जन पे कर दूंगा। क्या आपको वैसे एप्पल का iOS का नया वर्जन पसंद आया? तो गाइस मेरा मशीन के ऊपर जितना भी कार्डियो होता है वो कार्डियो के दौरान मैं म्यूज़िक सुन रहा होता हूँ या फिर नेटफ्लिक्स देख रहा होता हूँ। इससे ये होता है कि जो मैं थक जाता हूँ या लो फील करता हूँ वर्कआउट करते हुए, तो मुझे एक डिस्ट्रैक्शन मिल जाती है कि मेरा टाइमिंग के ऊपर फोकस नहीं होता कि टाइम कितना स्पेंड हो रहा है, बट मेरा कॉन्टेंट के ऊपर और म्यूज़िक के ऊपर या सीरीज़ के ऊपर फोकस होता है कि अच्छा यार ये सीन है। गाइस रिसेंटली आई हैड ऑकवर्ड, यहाँ पे कहीं पे लाइट्स ज़्यादा ऑन होती है कहीं पे कम लाइट्स ऑन होती हैं, तो गार्ड्स बैठे होते हैं तो इस तरह देख रहे, अच्छा ये क्या कर रहा है, कैमरे में उल्टी करके बात कर रहा है, मतलब कैमरा उल्टा करके क्यों बातें कर रहा है। एनी हाउ टूडे वर्ल्ड इज़ वेरी एडवांस, एवरी वन न्यू इट्स व्लॉगिंग और रिकॉर्डिंग और वीडियो फॉर सोशल मीडिया और यूट्यूब, कुछ भी कहा जा सकता है, अब हर किसी को ज़्यादा नॉलेज है। मुझे अभी तक iOS के अंदर जो नया बीटा वर्जन आया उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ अच्छी लगी है, वो है वॉइस मेल वाला सिस्टम, कि बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने कोई फ़ोन की सेटिंग के अंदर वॉइस मेल वाला सिस्टम हो गया। सो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं किसी की कॉल नहीं पिक करते हैं कुछ भी है तो मुझे वॉइस मेल आ जाती है, अगला बंदा जो भी कहना चाहता है तो मुझे वॉइस मेल भेज देता है, वेदर उसके पास व्हाट्सएप है कि नहीं है, बट आई गॉट वॉइस मेल। एनी हाउ गाइस, कुछ फीचर्स को छोड़ कर आई एम नॉट सेटिस्फाई विद iOS 16 और 17 बीटा वर्जन फॉर पब्लिक और फॉर डिवेलपर पर्पस। आई एम नॉट सेटिस्फाइड, आई डोंट नो व्हाट्स गोना हैपन, कि अभी आईफोन जो है सारों को अपडेट्स दे दे के कह रहे हैं कि सारे अपने अपने फ़ोनों पर एक्सपेरिमेंट करो, जब तुम लोगों के फ़ोन फारिग हो जाएँ तब तक iOS एप्पल का आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स और सिंपल आ जाएगा 15, ताकि लोगों का ज़्यादा फोकस हो कि वो खरीदने। सो ये बस उससे पहले की हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज 14 इज रियली फ्लॉप, इट्स अ बिग फ्लॉप फॉर 14, बिकॉज लिटिल बिट कैमरे के अंदर चेंजिंग्स करने के अलावा उन्होंने कोई ज़्यादा चेंजिंग्स नहीं की, ना ही शेप में, ना कैमराज में, ना ही कैमराज के फीचर्स और कैमरा के फंक्शंस में ज़रूर की, बट उसके अलावा किसी भी चीज़ में नहीं की। सो क्या आप आने वाले एप्पल के मॉडल के लिए एक्साइटेड हैं और क्या आप डेवलपर और बीटा वर्जन यूज़ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइस मेरे ख्याल से आज तक की जितनी भी गपशप लगनी थी, आना जाना होना था, जो भी होना था वो यहाँ तक ही था, और उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कुछ हद तक समझ आ रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे और काफ़ी लोग मेरी नेचर से, मेरी बातों से और मेरी चीज़ों से रिलेट कर रहे होंगे। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहेंगे, सब्सक्राइबर्स पर डे के हिसाब से बढ़े जा रहे हैं, शॉर्ट्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग जा रही हैं, शॉर्ट्स वायरल हो रही हैं, जिसके अंदर मैं बिग बॉस के भी रिव्यूज़ दे रहा हूँ, उसके अलावा बच्चों की भी हैं, नीसेस के साथ, नेफ्यू के साथ, और इसी तरह काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ जो मैं कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा था और आने वाले दिनों में करूँगा भी, ठीक है।
सो आज का व्लॉग मेरे ख्याल से हमें यहीं पर ही एंड करना चाहिए. सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. अल्लाह हाफ़िज़.